हेलो दोस्तों, मैं हूं काला पहाड़ी और मेरा गांव है उत्तराखंड में। और मैं आज आपको लेके चलने वाला हूं इवनिंग वॉक पर। हम अक्सर अपने गांव की नजदीकी रोड तक इवनिंग वॉक पर चले जाया करते हैं और वहां से वापस लौटते हैं। मेरे साथ मेरा कुत्ता रॉकी भी है, जो कि रोज मेरे साथ इवनिंग वॉक पर आता है, और मैं उससे आपको बाद में मिलवाने वाला हूँ वीडियो में। गाँव की रोड्स कैसी होती हैं, वहां से नज़ारा कैसा आने वाला है, और रास्ते में हमें किस तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलने वाले हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वैसे तो रास्ता ठीक रहता है, बट जब सावन का मौसम होता है, बरसात हो रही होती है, तो बारिश में अक्सर छोटे छोटे पत्थर इस तरीके के रास्ते पर आ जाया करते हैं, और रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ उग आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये झाड़ियाँ उग चुकी हैं और अब ये रास्ता रोड पर कनेक्ट करेगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधे रोड पर। तो हम रोड तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रोड ऐसे बनी होती है, कंक्रीट की ही रोड्स होती हैं, जैसे कि बाकी जगह पर भी देखने को मिलेंगी, बट बारिश की वजह से इन रोड्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। बीच बीच में पेंटिंग्स हुआ करती हैं, लेकिन वही बारिश के साथ वही हाल हो जाता है। मैंने आपको बताया था आजकल दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ उगाती हैं सावन के मौसम में, तो आपको दिख रहा होगा रोड के दोनों तरफ घास उगी हुई है। अभी हम यहाँ से जाएंगे, ये रोड सीधे ऊपर कनेक्ट करती है, एक प्लेग्राउंड है छोटा सा जहाँ पर लोग खेला करते हैं, शाम को आते हैं अपनी वॉक पर, या छोटे छोटे बच्चे आते हैं खेलने, तो वहीं पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और वो है मेरा कुत्ता रॉकी, जो कि मुझसे आगे आगे रास्ता दिखा रहा है मुझे कहाँ पे जाना है। उसे पता है क्योंकि हम रोज आते हैं शाम को। ये देखिए, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, रोड के किनारे से पानी यूं ही बह रहा है। हमारे उत्तराखंड में पानी की कोई कमी नहीं है, नेचुरल पानी है, आप इस बहते पानी को भी पी सकते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे बच्चे आ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए। और ये लोग बोर हो चुके हैं, इसीलिए ये हमारे साथ आ गए। और अब हम वापस जाएंगे इसी रोड से, क्योंकि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं वापस हमारा कुत्ता रॉकी। ये है अनुष्का, ये है आशुतोष, और ये है कृष्णा। इन्होंने एक वर्ड बोला है अभी अभी, घगड़ता, इसका मतलब ये हमें बताएंगी। हेलो मिस अनुष्का, घगड़ता का मतलब बता सकती हैं आप? मतलब पानी में फिसल भी सकते हैं, तभी इसको बोलते हैं गढ़वाली में घगड़ता। ओके थैंक यू। ये देखिए, आप रोड का हाल देख सकते हैं, कभी कभी बारिश की वजह से रोड पर से ऐसे टुकड़े निकल कर बह जाते हैं। कहीं पर साफ होती है, लेकिन कहीं पर, यहाँ पे ड्राइविंग करना काफी मुश्किल हो जाता है इन वजह से, ऊपर से पानी आ रहा है। वो क्रिश आगे पहुंच चुका है। ओ देखिए, फिसल भी सकते हैं। वीडियो ही वाला गिरने वाला था। मैंने बोल दिया था भैया को कि घगर ताल होनी है, घगर ताल तो सुना नहीं है आपने, तो फिसलना नहीं था, तो मच्छर मारना था। अब अपने गजब बेइज्जती है। ये देखिए, पूरे पेड़ में बेरीज लगी हुई है। हम अनुष्का रावत से जानेंगे क्या हम इन्हें खा सकते हैं या इनका क्या यूज होता है, हम इनसे पूछेंगे। एक बार आपको मैं बेरीज दिखा दूं क्लोज से। ये देखिए, ये छोटा सा फ्रूट है। तो अब हम अनुष्का रावत से पूछेंगे ये क्या है। जी अनुष्का, हमें बताइए। ये छोटी छोटी, एक छोटी छोटी ब्लू बेरीज है। लेकिन ये ब्लू तो नहीं है, तो ये ब्लू बेरीज कैसे? मतलब ये वैसे ही होती है। अच्छा होती है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर क्या, हम इसे खा सकते? इसके अंदर ये छोटे छोटे दाने हैं, तो अभी हम इनको नहीं खा सकते हैं। जब ये पीले क्या हो जाएंगे ये दाने, तब खाएंगे हम इनको। मैं आपको एक फ्रूट क्लोज से दिखा देता हूँ तोड़ के, क्योंकि ज्यादा तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी पके नहीं है। मैं आपको एक फ्रूट इसमें से तोड़ के दिखाता हूँ। ये है ये फ्रूट, ये साथ साथ ये भी दिखा लो। ये भालू का फेवरेट फ्रूट होता है। पतझड़ के मौसम में जब भालू अक्सर कॉलोनीज की तरफ आ जाया करता है इसे खाने के लिए, ये मीठा होता है।
पकने के बाद। अभी तो ये बहुत कच्चा होगा और ये आपकी जीप को पूरा सुखा देगा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। वहाँ पर एक शेड है, आपको दिख रहा होगा, वहाँ जिसमें लोग पत्थर फोड़ते हैं और वहाँ सारी कंक्रीट बना लेते हैं। ओके, उस कंक्रीट का यूज क्या होता है? बस हवा निकल गई। मुझे याद नहीं। मकान वगैरह बनाने में, ब्लॉक्स वगैरह बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मनु ने हमें बता दिया शर्ट में क्या होता है और उस कंक्रीट का यूज कहाँ होता है। खतरनाक तरीके का दिखने वाला कैटरपिलर है, थोड़ा डेंजरस लग रहा है, बट शायद ये बहुत ही शांत होता है। ये एक ब्यूटीफुल सी तितली में बदल जाएगा, पर हमें इसे छूना नहीं चाहिए। कुछ गोलू हमें बताना चाहेंगे इसके बारे में। हमने सिर्फ वीडियो देखने वालों को दिखाने के लिए उसे बाहर निकाला था वहाँ से, लेकिन सच में डरती थी। बस हमने इसे वापस छोड़ दिया है वो जहाँ पर था, और अब मन्नू वापस आ जाएगी आराम से। ये रोड्स काफी खाली रहती हैं, यहाँ पर शहरों की तरह ट्रैफिक का नॉइज नहीं होता है, ट्रैफिक का डिस्टरबेंस नहीं होता है, और ज्यादा शोर शराबा ना होने की वजह से काफी शांति मिलती है और आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। आपको काफी शांति मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आज हमने बहुत मजा किया, हमें बहुत मजा आया घूमने में, हमने अलग अलग चीजें देखी, हमें अनुष्का, क्रिश और गोलू तीनों ने अच्छी अच्छी चीजें दिखाई। अब हम घर जाने वाले हैं और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के वीडियोज देखने हैं, आपको क्या देखना है हमारे वीडियोज में, हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय हम सब की तरफ से आपको, बाय बाय।